सिग्मा से डरने वालों, सिग्मा बहुत आसान कर देगा क्वेश्चन को। देखो सिग्मा का मतलब सम होता है, के बराबर आपको वन से शुरू करना है, यही आपका टर्म है, एक बार के बराबर वन रखना है ना। चलिए यहाँ पे एक बार फिर से लिखते हैं सिग्मा, के बराबर वन से लेके इलेवन तक, और ये टू प्लस थ्री टू द पावर के है। सबसे पहले ये टर्म है, इसमें आपको के बराबर वन रखना है, तो के बराबर वन रखोगे तो क्या बनेगा, टू प्लस थ्री का, एक्चुअली ये थ्री का पावर के का होल पावर है ना, ऐसे है ना, केवल थ्री पे पावर के है, तो ऐसे होगा पहला टर्म में। फिर आप सिग्मा का मतलब प्लस लिखोगे, अब के बराबर दो रखोगे, तो के बराबर दो रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला दो तो पहले से है और थ्री का पावर दो, जब हम लोग के बराबर दो रख लेंगे तो फिर हम सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा का मतलब लिखेंगे प्लस, फिर टू प्लस थ्री का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि अब हम के बराबर तीन रखेंगे, उसी तरह फिर हम फोर रखेंगे तो टू प्लस थ्री का पावर फोर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया, बोलो। और उसी तरह से प्लस करके हमको क्या करना होगा, डॉट 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 करना होगा, और लास्ट में हम के का वैल्यू क्या रखेंगे इसमें, 11। के का वैल्यू आपको 1 से लेके 11 तक गया है, तो लास्ट में हमको के का वैल्यू 11 तक रखना होगा। तो ज़रा बताओ यहाँ पे कि पहला इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो देखो यहाँ तीन का पावर एक से शुरू हुआ और तीन के पावर ग्यारह पे ख़त्म हुआ है, तो कै गो टर्म हुआ, ग्यारह गो टोटल टर्म हुआ। वैसे यहाँ से भी दिख रहा है कि एक से लेके ग्यारह ग्यारह गो टर्म होंगे, तो ग्यारह तो दो आया होगा, दो कितना आया होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि दो प्लस इलेवन टर्म्स, यहाँ लिख देंगे इलेवन टर्म्स, ये सब इलेवन टर्म्स हैं। फिर अब कलेक्ट करेंगे एक बार हम तीन वाले को, तो तीन का पावर वन, तीन का पावर टू, तीन का पावर तीन, प्लस डॉट 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 डॉट, प्लस तीन का पावर इलेवन, ये भी कै गो टर्म होगा, इलेवन टर्म्स ही होंगे, होंगे ना। यहाँ तक समझ में आया कि 11 ही टर्म होंगे, क्योंकि 1 से लेके 11 तक है। अब यहाँ बताओ, दो को अगर 11 बार जोड़ना है, दो 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 को, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और यहाँ तक अगर देखो, यहाँ तक हमारा जीपी है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए का वैल्यू हमारा क्या है, तीन है, कॉमन रेशियो भी तीन है, और एन का वैल्यू 11 है, और जोड़ना है, तो हमको इसका मतलब क्या निकालना है, एस 11 लिखना है। तो एस 11 का फार्मूला अपने मन में यहाँ पे रख दो, कितना, ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है बताओ, ए का वैल्यू तीन है, और ब्रैकेट में आर का पावर एन माइनस वन, तो आर हमारा तीन है, और उसका पावर एन मतलब 11 माइनस वन, और डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वन, तो ये फाइनल आपका सम कितना हो गया, 11 दुना के 22 और प्लस 3 बाई 2 और 3 का पावर 11 माइनस 1। समझ में आया, यही आंसर है आपका, प्रिंट कर लीजिए।